नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, लेकिन अब अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है। पूरे विश्व में छठी अर्थव्यवस्था वाले भारत की GDP -23.9% पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमित के मामले में भारत लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, तो अर्थव्यवस्था चौपट होने में भी रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे नीचे यानी कि -23.9% पर है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि उन्हें पहले से आशंका थी कि भारत की रेटिंग यही आएगी। ध्वस्त हो रही अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 सालों में पहली बार भारी मंदी झेल रही है, लेकिन लोग इसका दोष भगवान को दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब सवाल है कि GDP -23.9% पर जाने के लिए सिर्फ क्या कोरोना ही जिम्मेदार है? क्या सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल हुआ है? क्या सरकार की नीतियां इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है? क्या लंबे समय तक लॉकडाउन लगाना इसके लिए जिम्मेदार है? इन सवालों का जवाब आज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। कोरोना की सुनामी में भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। कोरोना ने रोजगार छीना, काम छीना, जिंदगी छीनी और अर्थव्यवस्था की वाट लगा दी। आज तक के इतिहास में देश की अर्थव्यवस्था का ऐसा बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ होगा। देश ने कभी भी ऐसी गिरावट नहीं देखी होगी। कोरोना ने विश्व में सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही पहुँचाया है। कोरोना से पहले ही अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गया था, अब तो पाताल तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अप्रैल से जून की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना संकट की वजह से GDP में गिरावट की आशंका कई विश्लेषकों ने पहले ही जताई थी, लेकिन सोमवार को जो आंकड़ा आया वो उम्मीद से भी ज्यादा था। पहले से चौपट अर्थव्यवस्था कोरोना काल में और भी खत्म हो चुका है। देशव्यापी लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। GDP इतना नीचे चला गया कि उसे जीरो तक पहुंचने में ही सालों लग जाएंगे। BJP की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। पिछले 6 साल से BJP की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मांग और निवेश में भारी कमी आई है। भारत ने साल 1996 से हर 3 महीने पर GDP का डेटा जारी करना शुरू किया था। उसके बाद से ये अब तक की सबसे बुरी स्थिति है। भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का हो जाए, लेकिन ये सपना अभी पूरा नहीं होने वाला है। अप्रैल से जून तिमाही में भारत की GDP में 23.9% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। अभी भारत को -24 से शून्य तक आने में ही लंबा वक्त लग सकता है। उसके बाद शून्य से ऊपर उठना भी इतना आसान नहीं होगा। भारत में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। जब देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, तब हर रोज सैकड़ों में कोरोना के मरीज पाए जाते थे। अब 70 से 80 हजार प्रतिदिन कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, तो लगभग लॉकडाउन खत्म होने के करीब है। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर देश की GDP में करीब 45% का योगदान रखते हैं, लेकिन ये सारा कारोबार लगभग ठप हो चुका है। साफ जाहिर हो रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई। अब आगे आने वाला दिन हमारे लिए और मुश्किल और कठिन होने वाला है। जो देश बहुत तेज़ से विकास की तरफ जा रहा था, तेज़ गति से बढ़ने वाला देश था, आज उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। एक प्रकार से कहा जाए तो ध्वस्त होकर रहती है। पूरे विश्व में कोरोना फैलाने का आरोप चीन पर लगा।
अमेरिका ने साफ कहा है कि चीन ने कोरोना फैलाया और पूरे विश्व से छुपाया, लेकिन कोरोना का सबसे ज्यादा असर चीन की जीडीपी पर नहीं पड़ा है। चीन अब भी सभी देशों से ऊपर है। यहीं से कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत हुई थी। चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ प्लस में है, जबकि अमेरिका, जापान, यूके, इटली, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों की जीडीपी ग्रोथ माइनस में है। दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी का बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। इसका मुख्य कारण है लंबे समय तक लॉकडाउन लगाना, क्योंकि चीन ने लॉकडाउन लगाया लेकिन तुरंत हटा लिया और सारा कारोबार शुरू कर दिया, इसलिए वो प्लस में चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन की टाइमिंग की वजह से जीडीपी का आंकड़ा ज्यादा आया है? क्या भारत ने समय से पहले लंबे टाइम के लिए लॉकडाउन लगाया? क्या कोरोना की शुरुआत में हम सचेत होते तो इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता? आखिर वो क्या कदम थे जो कई देशों ने समय पर उठाए और हम चूक गए? क्या भारत की अर्थव्यवस्था -23.9% तक पहुंचने में सिर्फ कोरोना ही जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो हम $5 ट्रिलियन अपनी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखते हैं, $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था का सपना देख रहे हैं, लेकिन बात जब यहाँ पर अर्थव्यवस्था की आती है या फिर हकीकत की आती है तो ये कहा जा सकता है कि सब कुछ चौपट नजर आता है। देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चल गई है और ऐसे में पूरे विश्व में छठी अर्थव्यवस्था वाले भारत की GDP -23.9% पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमित के मामले में भारत लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है, तो वहीं अर्थव्यवस्था चौपट होने के मामले में भी भारत रिकॉर्ड बना रहा है। अगर अब देखा जाए तो इतिहास में, जी हाँ इतिहास में अब तक की सबसे वर्स्ट कंडीशन में जीडीपी पहुंच गई है। आज इस पर तफसील से हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या वाकई कोरोना इसका मुख्य कारण है या फिर गलत नीतियां सरकार की इसका मुख्य कारण है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। हरीश जी बहुत स्वागत है आपका। अनुज अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अनुज जी बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि अर्थशास्त्री है। डॉक्टर रवि सिंह बहुत स्वागत है आपका भी। सर सबसे पहला सवाल मेरा हरीश श्रीवास्तव जी आपसे है, केंद्र में सरकार सर आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है, भले ही कोरोना काल हो लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट, 23.9, जी हाँ -23.9 पर यह अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, क्या इसके लिए जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? नहीं देखिए, पूरी दुनिया पे जो कोरोना का संकट है इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, भारत केवल अकेला देश नहीं। ये बात सही है कि अगर भारत की आबादी के सापेक्ष अगर प्रतिशत को देखा जाए तो जब पूरा देश ही ठप हुए हो गया, और अगर आज भी आप जाइए जो स्पेशल ट्रेनें चल रही है या जो एकदम फ्लाइट चल रही है या जो रोड ट्रांसपोर्ट की स्टेट में जो ट्रांसपोर्ट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन चल रहे हैं उसमें अभी भी लोग बहुत मुश्किल से यात्रा कर रहे हैं। किसी बस में तो आपको कुल 2-4 पैसेंजर मिले, यही हाल ट्रेनों का है, यही हाल जो स्पेशल जो फ्लाइट चल रही उनका है। लोगों के मन में जो कोरोना को लेके भय व्याप्त है और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण आज भी बड़े पैमाने पर लोगों को लोग उससे ग्रस्त हो रहे हैं, यद्यपि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, सरकार इस दिशा में काफी अच्छी तरह से इसको टैकल कर रही है, परंतु जो इससे ये अननोन अनसीन एक वायरस है तो इसको लेकर के जो कोरोना तो एक वायरस है सर, उससे निपटने की सरकार कोशिश कर रही है, सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, लगातार जतन किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अर्थव्यवस्था का क्या? उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। देखिए ट्रांसपोर्ट जो लोगों का आवागमन अवरुद्ध सा है, लोग मार्केट में निकलने में डरते हैं, खरीदारी करने में डरते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें ऑन द होल प्रभावित है। लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से निकल सकें, मार्केट में निकल सकें, खरीदारी कर सकें, अपने बिजनेस को कर सकें, तो ये बहुत सारी चीजें को रिलेटेड ये इकोनॉमी को सारी बातें को इकोनॉमी को प्रभावित करती है। सामान की खरीद बिक्री होगी तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो उस पर जीडीपी पे
उसका प्रभाव पड़ेगा प्लस में। इसी तरीके से प्रोडक्शन यूनिट को देख लीजिए, अभी पूरी क्षमता के साथ प्रोडक्शन यूनिट नहीं चल रही क्योंकि वो मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड जब तक पूरी तरह से नहीं आएगी तब तक उनके लिए भी दिक्कत है। लेकिन सर ये तो कोरोना की बात हो गई सर, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तब भी कोई बहुत बेहतर अर्थव्यवस्था हमारी नहीं थी। अनुज अत्रे जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस लगातार इस बात का जिक्र कर रही है, लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आप चरमराई कोई की है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया, कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 40 सालों में पहली बार मंदी में है और असत्याग्रही इसका दोष पूरी तरह से ईश्वर को दे रहे हैं। अब लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही ठीक है, बावजूद इसके सत्ता पक्ष आखिर क्यों नहीं सुनता? देखिए ये तो देश की जनता देख रही है कि सरकार जो है अगर विपक्ष की आवाज को नहीं सुन रही, जनता की आवाज को नहीं सुन रही, अपने कर्तव्यों से दूर भाग रही है। और जो लगातार इनके जो 2014 से सरकार के जो जन विरोधी जो निर्णय लिए गए हैं जिसकी वजह से जो है देश में लगातार जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही है, उसका नतीजा आज सामने आया है कि हम 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट की ओर आज हम आकर के खड़े हो गए। और सरकार इसमें भी अपनी जो है बड़ी मैं तो यही कहूंगा कि बेशर्मी की हद पार करते हुए एक न कहीं हमारी नीतियों की वजह से फेलियर हुआ है, हम लोग फेल हुए हैं, जिसका नतीजा ये सामने आया है। आप एक्ट ऑफ गॉड बोल करके जो है देश की वित्त मंत्री हर चीज को एक्ट ऑफ गॉड बोल करके जो है अपना पल्लड़ा झाड़ देते हैं, तो आप किस लिए बैठे हैं सरकार पे? भगवान ने तो कहा है कर्म कीजिए, आप कर्म कर नहीं रहे हैं, आप जो है उल्टे कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से देश की जनता को आपके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आज जो है सरकार ये नहीं बताती है कि ये जो 24% की जीडीपी की गिरावट हुई है इसके पीछे कौन सी नीतियां जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं ये कोरोना काल को जो जिस तरह से जो है मिसहैंडलिंग की गई है, जिस तरह से जो है अनलॉक किया गया है और जो लॉकडाउन किया गया है दोनों में तालमेल नहीं बिठाया गया, दोनों के समय जो के समय निर्णय लिए गए हो उसमें बिल्कुल जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन किस तरह के निर्णयों की आप बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा तफसील से बताएं। लॉकडाउन के वक्त में और या लॉकडाउन को खोलने के लिए जो फैसले लिए गए, कौन से फैसलों की आप बात कर रहे हैं? देखिए सब निर्णय इनके उल्टे थे। लॉकडाउन के समय जब पूरा देश बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने और बोल दिया जो जहां है वहीं रहे, उस समय सबकी आमदनी खत्म हो गई, सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, दुकान बंद हो गई, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई है और जो है रोजी रोटी के लिए जो थोड़ा बहुत लोगों के पास अपना धन बचा था वो भी सब खत्म हो गया था। ऐसे समय में सरकार ने जनता के ऊपर जो कुठाराघात किया, 23 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, क्या उसका जनता की जेब पर असर नहीं पड़ा? ऐसे समय में आपने जो है मुनाफा वसूली का काम सरकार करने पर उतराई है कि जब जनता को कहीं ना कहीं जनता को राहत पहुंचाने की आवश्यकता थी, जनता को सीधा कैश पहुंचाने की आवश्यकता है, लेकिन आप तो ऐसे समय में भी जो जनता के पास थोड़ा बहुत पैसा था जिससे वो अपना दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहे थे आपने उस पर भी कुठाराघात कर दिया, 11 रुपए लीटर और 9 रुपए लीटर आपने बढ़ा दिए उसमें पेट्रोल और डीजल। ठीक है सर, आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनका भी एक बार स्वागत कर देते हैं। आकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी अनुज जी कर रहे थे कि जो फैसले लिए गए या फिर जो फैसला लॉकडाउन का लिया गया, क्या आपको लगता है कि वो गलत समय पर लिया गया है कि आज भारत की जीडीपी -23.9 पर पहुंच गई है? जी मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। फैक्ट्स ये हैं कि वो जो पीरियड था अप्रैल टू जून वो ग्लोबली इकोनॉमी सारी इकोनॉमीज डाउन थी, चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन इकोनॉमीज हो, ऑल ऑफ अ सडन पेंडेमिक इतना बढ़ गया था कि लोगों की जान बचाना जरूरी था, इसलिए जो है लॉकडाउन का पीरियड था। और दूसरा, आज सुबह से मैं तमाम टीवी चैनल पे शो कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज कर रहे हैं पीरियड को, ये जो पीरियड है जिसका जीडीपी डेटा आया है दिस इज 1st अप्रैल टू 30th जून, जुलाई और अगस्त में जो करंट डेटा है उसमें इकोनॉमी में रिवाइवल के साइंस ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी कार सेल नंबर्स जंप कर चुके हैं, जीएसटी नंबर्स भी आगे से बेटर हो चुके हैं। तो ये वो 3 महीने का पीरियड था जो 30th जून को खत्म हो गए थे, उसके बाद 2 महीने का जो पीरियड अभी खत्म हुआ है कल, उसमें ऑलरेडी इकोनॉमी में रिकवरी आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, रिकवरी आना शुरू हो गई है सर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि अप्रैल अगर अप्रैल से जून तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 68 दिन
लॉकडाउन पूरी तरह से रहा, जिसमें जो पूरी आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से बंद रही, तो क्या उसके बाद जो महीने शुरू हुए उसके अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसने एक बार फिर से बेहतर होने की ओर वो चल पड़ी है? आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर पहुंच गई है, और ऐसे में जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था सबसे निचले यानी कि -23.9% पर आ पहुंची है। सरकार के मुख्य सलाहकार कहते हैं कि उन्हें पहले से आशंका थी कि भारत की रेटिंग यही आएगी, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये भी आशंका थी कि विश्व में सबसे खराब अर्थव्यवस्था भारत की होगी? खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि सिंह। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी आकाश जी कर रहे थे, कि ये वो दौर है जब लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन लगने की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से बंद थी, लेकिन सर ऐसे में और भी तमाम देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कहते हैं कि यही अनुमान था या यही हम आशंका जता रहे थे कि ऐसी रेटिंग आएगी, लेकिन सर इतनी खराब आएगी, क्या ये हम लोग आशंका लगा के बैठे थे? देखिए यहाँ पर जो खराब डेटा आया है इसका कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ की ग्रोथ बिल्कुल निगेटिव स्तर पर है और पहली बार ऐसे नंबर्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। कुछ पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो जैसे आप कह रही हैं नेहा जी, देखिए सबसे बड़ी बात है दूसरे देशों से अगर कंपेरिजन करें तो कुछ विकासशील देश है और कुछ विकसित देश है। अगर सबसे बड़ी जनसंख्या की बात की जाए तो भारत है, तो ऐसे समय पे यहाँ पे डाउनफॉल भी इतना ही देखने को मिला है। और अभी जो हालात है वो सरकार के सामने उस समय ये उठा था कि या तो वो इकोनॉमी को संभाले या लोगों को संभाल पाए या लोगों को उस बीमारी से बचा पाए। तो जब जान और माल दोनों की चिंता की जाती है तो सबसे पहले जान की चिंता की जाती है, और मुझे लगता है कि सरकार ने यहाँ पर इसलिए इतने बड़े कदम या टाइट कदम उठाए जिससे कि लोग सर्वाइव कर जाएं, क्योंकि इकोनॉमी 4 महीने 6 महीने 8 महीने में वापस से रिवाइवल हो जाएगी। अब उसके पीछे के प्रॉन्स एंड कॉन्स को समझने की ज्यादा जरूरत है। देखिए जैसे जैसे वापस से इकॉनमी ओपन होनी शुरू हो गई, लॉकडाउन हटना शुरू हो गया, इकॉनमी का पहिया चलने लगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में या ऑटो सेक्टर में उसकी ग्रोथ वापस से यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। लेकिन आगे की समस्या जरूरी है यहाँ पर मेरा जी, वो ये है कि अब अगर ऐसे हालात बने रहे, निगेटिव ग्रोथ रही, तो जो हमें फंड की जरूरत है वो फंड हमें नहीं मिलेगा। हम जैसे वर्ल्ड बैंक से फंड लेते हैं या जो दूसरे देश इंडिया में पैसे ला रहे हैं या FII जो निवेश कर रहे हैं वो निवेश कम होता हुआ नजर आएगा, इसका असर ज्यादा दिखाई देगा, आम पब्लिक को उतना असर शायद ना दिखाई दे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जैसे अभी GST कलेक्शन की आप सर आम जनता पे ही तो सबसे ज्यादा इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरियां जा चुकी है, काम धंधे पूरी तरह से ठप हो गए हैं, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, माइनस में जा चुकी है, लेकिन इसका असर अगर सीधा पड़ रहा है तो आम जनता पर पड़ रहा है। एक सवाल मेरा सीधा सा हरीश श्रीवास्तव जी आपसे है, क्योंकि अनुज जी का कहना है कि गलत नीतियां, कोरोना काल है वो तो ठीक है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इससे डगमगाई है वो भी ठीक है सर, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है सबसे ज्यादा माइनस में है। और दूसरी बात, सीधे सीधे ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना काल की वजह से नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था का ये हाल हुआ है। देखिए आरोप लगाना तो बहुत आसान, अनुज अत्रे जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो तो सबको, उनको तो कांग्रेस को तो सब गलत ही गलत लगता है, क्योंकि वो सत्ता से बाहर बैठी हुई तो उसको तो कुछ भी सही नहीं लगता। लेकिन दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अभी अपने अभिव्यक्ति दी और उन्होंने जो उसके कारण बताए वो भी आपने कि भारत विकासशील देश है और आबादी के सापेक्ष अगर देखिए तो ये जो संकट का काल है तो उसमें उसी तेजी के साथ इसकी गिरावट भी देखते कम मिल, और ये जो पहली तिमाही के बाद दूसरी और तीसरी तिमाही में इसके सुधार के भी संकेत स्पष्ट तौर पर मिले हैं। जब पूरा देशी ठप है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी बंद है, लोगों का आवागमन बंद है, उद्योग धंधे बंद है, व्यापार बंद है, तो आखिर ये अर्थव्यवस्था को तो कलेक्टिवली यही सब रोक करते हैं, यही सब आगे लेके जाते हैं। अब विनिर्माण के क्षेत्र में काफी तेजी से काम शुरू हुआ है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी तेजी से काम चल रहा है, कृषि क्षेत्र में आपकी वो डिक्लाइन नहीं हुआ बल्कि वो प्लस में गया है, तो धीरे धीरे करके
ये जो अर्थव्यवस्था पे इसका जो एक बहुत माइनस असर आया है, ये धीरे धीरे करके इसमें सुधार आएगा। और अगर आप कोरोना संकट को लेकर के भी देखिए तो जितनी बड़ी आबादी और जिस तरह की इसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ी कि आपके पास एक लैब थी पूरे देश में, आज 1200 से ज्यादा लैब काम कर रही है। और एक हफ्ते के अंदर पिछले एक सप्ताह में अगर रिकवरी देखा जाए तो 5 लाख लोगों की रिकॉर्ड रिकवरी हुई है। तो ये बहुत सारी चीजों को आप अर्थव्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो जान की कीमत पे अर्थव्यवस्था को अगर बचाने की बात होती तो लेकिन सर लोगों का तो ये भी कहना है ना कि कोरोना से हम मरे या ना मरे लेकिन भुखमरी से जरूर मर जाएंगे। वो आदमी कहाँ जाए सर जिसके सामने ये एक संकट है कि खुद भी अपना पेट भरना है, परिवार को भी पालना है, वो कहाँ जाए सर? देखिए देखिए नेहा जी, घर घर मुफ्त में अनाज पहुंचा रही सरकार, ऐसे सब लोगों के खाते में पैसे डाल रही है, तो इस तरह के जो आरोप है वो बहुत ही बोगस आरोप है जो इस तरह के लोग बात कहते हैं। घर घर 80% लोगों के घर पे हर महीने मुफ्त में अनाज चावल गेहूं दाल। सर दावे और वादे के बीच सर हकीकत क्या है ये तो सभी के सामने है। लोग त्राही माम कर रहे हैं, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ अनुजात्रे जी से है। अनुजात्रे जी आरोप लगाना, आप कभी जाकर के लोगों के बीच बात करिए, लोगों के पास जाइए, इस तरह के कांग्रेस ने बात कह दी आप उसको मान के सर कांग्रेस ने कह दी वो बात नहीं मैं मान रही हूँ सर, हमारा काम ही लोगों के बीच में जाके बात करना है सर, हम लोगों के बीच जाके उन्हीं से जानते हैं कि क्या हालात है। ठीक है, अगर आप गई होती तो इस तरह बात ना करती। ठीक है अनुजात्रे जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दिया आप इस वजह से इस तरह के हालात हैं, इससे पहले आपने कहा, लेकिन सर लॉकडाउन लगाया और बढ़ाया तो क्या उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की हाँ नहीं थी क्या? देखिए नेहा जी, यहाँ बात हम अगर जीडीपी करें तो ये जो जीडीपी केवल लॉकडाउन पीरियड में ही हमारी गिरी है क्या, या बीते 2-3 वर्षों से लगातार जो जीडीपी में गिरावट हुई थी उसके बारे में? इस दौरान की आप बात करिए ना, क्योंकि अब तो -23.9% पर पहुंच गई है, ये वर्स्ट कंडीशन है सर, ये वर्स्ट कंडीशन इन 40 इयर्स है नेहा जी। 40 साल में इतना बुरा हालात देश के नहीं हुए जितने इनके कार्यकाल में इस समय हो गए। आज ये सरकार इस बात को, आज ये कोरोना का जो एक आड़ लेकर के और एक्ट ऑफ गॉड बोल करके अपना बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं और इस चीज का सामना नहीं कर रहे हैं कि बीते 3 वर्षों में जो हमारी जीडीपी की गिरावट हुई है वो कौन सा तब कौन सा काल था उसका बता दें, उसमें तो कोई काल नहीं था। आज हमारी एफडीआई की बात, पूरे प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम घूम करके जो है एफडीआई का चिल्लाते रहे, आज एफडीआई क्यों गिर रहा है, एफडीआई क्यों नहीं आया बता दें, कितना एफडीआई आया है इन बीते सालों में, कोई जवाब नहीं। आज एनएसएसओ की रिपोर्ट पिछले साल आई मई 2019 में, तब तो कोई कोरोना काल नहीं था, कोई COVID-19 का पेंडेमिक नहीं था देश में, ये बता दें क्यों एनएसएसओ की रिपोर्ट आई कि देश में 45 साल में सबसे अधिक मात्रा में बेरोजगारी दर है, जो 45 साल पहले बेरोजगारी थी उतनी बेरोजगारी आपके कार्यकाल में हो गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है उसका जवाब नहीं देंगे। किसानों की आत्महत्या इन 5 सालों में जितनी हुई है इतिहास में कहीं हुई है। आप तो किसानों के दिन बदलने आए थे, अच्छे दिन लेकर के आने थे वाले थे आप तो 2014 में, आज 6 साल बीत जाने के बाद आप हालात ये हो रही है कि आपने उनकी कहा था आत्महत्या बिल्कुल रुक जाएगी और सबने स्वागत किया था, लेकिन आपने तो बहुत बढ़ा दी उनकी। उससे पता चलता है कि किसान हमारे, किसान भाई हमारे कितने आपसे परेशान है, आपके आपके जो है राज्य में कितने खुश है। और देखिए एक चीज में इन्होंने बढ़ोतरी की है, जिस चीज में इन्होंने तरक्की की है वो है विदेशी कर्जा लेना। बीते 70 सालों की सरकारों ने जो इस देश में अगर विदेश से कर्जा लिया था वो $40 बिलियन था, इस सरकार ने इन 5 सालों में उसको $400 बिलियन को जो है $560 बिलियन कर दिया, लगभग $160 बिलियन इन्होंने इन 5 सालों में बढ़ाया। विदेशी कर्जा बहुत तेजी से इन्होंने लिया। ठीक है, आकाश चंद्र जी का करते हैं सर। ठीक है, फिर मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रखेंगे। एक सवाल यहाँ पे आकाश जिंदल जी आपसे है, आकाश जिंदल जी इकोनॉमिस्ट है, जरा उस बात पे आकाश जिंदल जी भी बताएंगे। ये बता दें कि सरकार से पूछे, हरीश जी भी बैठे हैं, कि एक्सपोर्ट की हमारी कितनी आंकड़े बढ़ गए हैं, हम कितनी तेजी से ऊपर गड़े हैं या नीचे गए। ठीक है आकाश जिंदल जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर रवि सिंह कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक से फंड नहीं मिलेगा, सर ये कितनी बड़ी समस्या उभरने वाली है हमारे सामने? देखिए अभी मेरे अच्छे मित्र कांग्रेस के वो एक बात कर रहे थे कि इन द पास्ट 40 इयर्स जीडीपी हैज नेवर गॉन डाउन लाइक दिस। हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट टू माय डियर फ्रेंड, इन द पास्ट 40 इयर्स वी नेवर हैड अ पेंडेमिक लाइक दिस। ये जो कोरोना की सिचुएशन है आज से पहले कभी नहीं हुई,
1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन था यूएस का, वो भी इतना सीवियर नहीं था। तो ये जो सिचुएशन है अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। तो इसलिए जो है इसका कोई पहले ना तो कंपैरिजन है हमारे पास, क्योंकि 1930s की जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी जिसका इंपैक्ट या सेंट्रल पॉइंट जो है फोकल पॉइंट यूएस था, उसमें एटलीस्ट लोगों को घूमने की ट्रेड करने की आजादी थी, वो स्टॉक मार्केट की डिप्रेशन थी। तो ये आज तक क्योंकि इस तरह का पेंडेमिक नहीं आया जिसने इकोनॉमी को ऐसे जो है दसा हो, तो इसलिए ये वजह हुई है कि जीडीपी इतना डाउन गई है। मैं यहाँ सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, सरकार को कई चीजें करनी चाहिए। सरकार को आपके चैनल और तमाम चैनल्स पे मैं जिन पे अपीयर होता हूँ पूरे इंडिया के, कहता आया हूँ कि इनकम टैक्स में रिलीफ दो, जीएसटी में रिलीफ दो, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, गुड्स की कीमत सस्ती हो ताकि बाइंग बढ़े और उससे इकोनॉमी बढ़े और जॉब को रिवाइव करना। वहां मैं कांग्रेस के साथ हूं कि जॉब को रिवाइव करने के लिए सरकार को बहुत एफर्ट करना चाहिए। वहां हमारे मित्र कांग्रेस के सही कह रहे हैं कि सरकार की वहां ड्यूटी बनती है कि जॉब को रिवाइव किया जाए। अब बात आती है बोरोइंग की। देखिए बोरोइंग की आज इंडिया की जो सॉवरन रेटिंग है उसको देखते हुए, आज जिस तरह से हमने FRBM गाइडलाइंस को जो है स्टिक किया है, आज जिस तरीके से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, हमारे पास बोरोइंग का एक बहुत बढ़िया टूल है। हमारे NRI से इस समय हम मसाला बॉन्ड्स के थ्रू ग्लोबल फंड बहुत इजीली बोरो कर सकते हैं वायबल रेट पे। वो सॉवरेन बॉन्ड्स हम लॉन्च कर सकते हैं और जिस तरह का NRI डायस्पोरा पूरी दुनिया में है, हमें फंड इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी रही बात GDP ग्रोथ, मेरा ये मानना है कि सेकेंड क्वार्टर में ही GDP ग्रोथ में फर्क आ जाएगा, क्योंकि अगेन मैं ये कह रहा हूँ पिछले दो महीनों में इकोनॉमी के अंदर कई ग्रीन शूट्स आए हैं। GST कलेक्शन बेटर हुई है, कार सेल्स बेटर हुई है, इकोनॉमी के कई सेगमेंट्स में रिकवरी हुई है, और फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर वो क्वार्टर है। फर्क आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जाहिर तौर पे कुछ अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है ये दीर्घकालीन नहीं लगना चाहिए था। -23.9% पर पहुंच गई है, जो कि वाकई ये कहा जा सकता है अभी तक के इतिहास में सबसे बुरी कंडीशन में है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरा डॉक्टर रवि सिंह जी आपसे है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, कई अर्थशास्त्रियों ने ये भी कहा है कि जो लंबे वक्त तक, एक जो दीर्घकालीन वक्त तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए घातक हुआ। और लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन के साथ ही जो अनलॉक करने की प्रक्रिया है जो ये अपनाई जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है ये भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक रहा, कैसे देखते हैं आप? देखिए लॉकडाउन लगाना सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि हमारा यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो शायद उसके बाद अभी जो पेंडेमिक जिस तरीके का है वो और कहीं बड़ा होता। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ मैं एक बात से आपसे जरूर एग्री करता हूँ कि शायद लॉकडाउन थोड़ा पहले लगा था और उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं लग पाया। दूसरा, जो इकोनॉमी को लेकर के कदम सरकार को यहाँ पर उठाने चाहिए थे वो कदम यहाँ पर नहीं उठाए गए। जैसे अगर आप पूरे सेक्टर की स्पेसिफिक देखें तो चाहे सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रियल एस्टेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मा सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर्स की डिमांड जो रही वो गवर्नमेंट ने सही टाइम पर पूरी नहीं की और इसी वजह से पूरी तरह से रिसेशन में चले गए। अब दूसरी तरफ है कि जो कोरोना की वजह से जो एक पैनिक सिचुएशन थी, उस पैनिक सिचुएशन में आने से पहले या उसको लॉकडाउन को ओपन करने से पहले या लॉकडाउन जब किया गया था तो उस टाइम पे जो डिसीजन लिए गए उनमें कहीं ना कहीं वो कमी जरूर रही, इसी वजह से आज सिचुएशन यहाँ पर है। और इससे भी बुरा, जैसे मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, मन की बात में भी लोगों को समझाते हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन वही दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, ये बोलना, ये तो सबको पता भगवान ने ऐसा कर दिया, लेकिन आप एज अ मिनिस्टर आपने ऐसे कौन से डिसीजन लिए जिसकी वजह से आम आदमी को हेल्प मिल सके? आप उसको यहाँ पर लोगों को बताइए, उसके बारे में जानकारी दीजिए, उसके बारे में एजुकेट करिए, तो शायद लोगों को यहाँ पर इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अगर कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में बिल्डअप हुआ या लोगों के अंदर बिल्डअप हुआ तो अपने आप स्पेंडिंग कर देंगे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं ये हरीश श्रीवास्तव जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि देखिए सरकार, ये कोरोना काल है इसमें कोई दो राय नहीं है, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार
तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम उपाय किए जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया, आर्थिक तौर पर भारत को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करने की और तमाम तरह की चीजें की जा रही है, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उसमें एक नई जान फूंकने के लिए भी सरकार की कोशिश है, लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं कुछ खामियां कमियां रह गई जिसकी वजह से आज इस तरह के हालात देखने पड़ रहे हैं। देखिए, ये तो अपना अपना विश्लेषण है। एक अननोन अनसीन वायरस जिसका इतना घातक प्रभाव हो और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार बढ़ा पूरी दुनिया में, तो जो कदम उठाए गए वो देश के लोगों की बेशकीमती जान बचाने के लिए उठाए। हो सकता है कहीं कोई लोगों को अपना कहा हो कि ये किया जाना चाहिए था, ये नहीं किया जाना चाहिए था। जैसे आप तमाम लोग कहते हैं कि साहब लॉकडाउन इतना लंबा नहीं रहना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं कि पंजाब की सरकार है, अनलॉक शुरू करने की जब प्रक्रिया मई के मध्य प्रारंभ की जानी थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, ममता जी ने मना कर दिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, सब लोगों ने कहा कि नहीं अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाइए। और जून में भी जब अनलॉक शुरू किया गया तब भी कई मुख्यमंत्रियों की राय थी इसको अभी और आगे चलने दी। रेल संचालन को अल्टीमेटली तमिलनाडु और कई मुख्यमंत्रियों ने आग्रह किया कि नहीं अभी इसको बंद रखा जाए। तो ये बातें आरोप लगा देना, कांग्रेस के लोग आरोप लगाएंगे, बाकी लोग आरोप लगाएंगे, उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नहीं लॉकडाउन अभी और चलने दिया जाए, इस तरह की बहुत सारी कुछ बातें आती है। ये ठीक है कि किसी समस्या का जब हम बाद में विश्लेषण करते हैं तो उसके अनेक पक्ष सामने आते हैं, लेकिन जब चुनौती सामने खड़ी होती है, जब डिसीजन लेना होता है कि कैसे हम इस चुनौती से लोगों की रक्षा करें, उस समय एक समस्या होती है कि हम सबसे पहले कैसा वो कदम उठाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। सर, ये जो एक सपना देखा गया था, सर ये जो एक सपना देखा गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन होगी, सर अब ये दूर की कौड़ी नहीं लगता क्या? हालांकि उस वक्त ये कोरोना काल नहीं था, ये भी नहीं पता था कि कोई ऐसा वायरस आएगा जो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं नचा के रख देगा, अब ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दूर की कौड़ी लगता है? नहीं, देखिए कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन भारत के जो सम्मानित नागरिक हैं, जो उनकी ऊर्जा है और जो उनका विश्वास है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसको इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ देश बढ़ेगा। थोड़ा सा ये स्थिति और सहज हो और सामान्य हो तो तेजी से गति आने में इसमें देर नहीं लगेगी। आप देखिए आज कई कंट्रीज के लोग जो चाइना से इम्पोर्ट करते थे, आज वो भारत के उत्तर प्रदेश कंपनियों से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिए, तमाम सारी कंपनियां भारत आ रही हैं। तो समय थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन हमारा विश्वास है कि देश का जो हमारी युवा ऊर्जा है वो इन सब चीजों को, इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए लक्ष्य को हासिल करेगी और पुनः जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उस लाइन में आगे जाके खड़ी होगी। ठीक है अनुज यात्रा जी, देखिए ये वक्त जो है सर, जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है जब अर्थव्यवस्था खराब है, -23.9 पर पहुंच गई है, और इस वक्त पर क्रिटिसाइज करने की बजाय क्या नहीं लगता कि हम सबको मिलकर सरकार के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, इस वक्त पर कंधे से कंधा मिला के बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये हर एक नागरिक की बात है, ये देश की बात है, और देश की GDP को ऊपर लेके जाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए आप ना सिर्फ क्रिटिसाइज करें बल्कि सुझाव दें ताकि हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। देखिए निश्चित तौर पे हर बात को अगर विपक्ष कोई उठाता है और सरकार उसको क्रिटिसिज्म के रूप में देखती है तो ये सरकार और सरकार में बैठे हुए जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, इनकी सोच दर्शाता है। आपको क्रिटिसिज्म में नहीं लेना चाहिए, ये एक सजेशन है जो सरकार को दिया जा रहा है, और सरकार को अगर आईना दिखाना है तो वो भी विपक्ष प्रधान है। हम अभी कुछ महीने पहले तक नेहा जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ने की बात कर रहे थे, क्योंकि वो 5 सालों में नहीं तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे,
लेकिन उसी के दम पर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन आप उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को तो आप सपना रह गया, वो न जाने कब पूरा होगा, वो इस सरकार में तो खैर नहीं पूरा होगा, किसी हालत में नहीं पूरा होगा, लेकिन आप जीडीपी जो हमारी 8% की ग्रोथ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में थी, आप उसको 3% पे ले आए, आपने तो 5% भी नहीं बचाई, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे 5% तो रख लेते जीडीपी। देखिए जब जीडीपी गिरती है तो हर सेक्टर में असर पड़ता है, जीडीपी का अर्थ है कि जो है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, जो सकल घरेलू उत्पाद है वो गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि देश में डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है, डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों की अब क्षमता खत्म हो गई है, खरीदने की क्षमता खत्म हो गई है, तो इसलिए डिमांड खत्म हो गई है। आज सरकार हर चीज को आंकड़ों की बाजीगरी के माध्यम से जो है जनता को गुमराह करने का, बिल्कुल आपने कहा कि हर सेक्टर पर असर पड़ता है, वाकई जब जीडीपी गिरती है या देश की अर्थव्यवस्था डाउन जाती है तो हर सेक्टर पर असर पड़ता है, लेकिन आकाश जिंदल जी सवाल इस बात को लेकर है कि ये 10 सेकंड और दीजिए, मेरी बात बीच में रह गई, मैं 10 सेकंड जी 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 रखिए अपनी बात, जिंदल साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। आकाश जिंदल जी कह रहे हैं कि ये कोरोना पेंडेमिक के समय जो है इसमें गिरावट आया था, इतना नहीं आया, लेकिन जिंदल साहब आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आपको तो ध्यान होगा, अगर पीछे 8 क्वार्टर का देख ले, 2 सालों को अगर हम जीडीपी का उठा करके देख लें क्वार्टर वाइज, तो हर क्वार्टर में जीडीपी की डी ग्रोथ हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, और अगर आपको भी याद होगा और आप जितने भी हमारे एपीएम के चैनल के व्यूअर्स हैं उनको भी याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव से पहले हमारी जो रुपये के लिए बारे में क्या बोला था कि जैसे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र बढ़ती जा रही है उसे वैसे वैसे रुपये की गिरावट होती जा रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, तो आज बता दीजिए जरा आज किसकी गिरावट की वजह से रुपया जो है विश्व में सबसे ज्यादा गिरती हुई करेंसी के रूप में सबसे पहले नंबर पे हम लोग खड़े हैं कि जिसकी करेंसी सबसे ज्यादा गिर रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तब तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार थे, अब तो 6 साल से आपने तो वायदा किया था मैं 35 रुपए पे लेके आ जाऊंगा डॉलर, और आज कहां है, वहां तक भी नहीं रोक पाए जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रोक रखा था जी। चलिए अब जिंदल जी के पास चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें एक बार फिर यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पे ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था क्योंकि चरमराई हुई है और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, लगातार हमारे साथ मौजूद है आकाश जिंदल जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी अनुजात्र जी कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो न सिर्फ इस कोरोना के काल में बल्कि इससे पहले की भी अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बेहतर नहीं था, और दूसरी बात ये कि इस तिमाही की अगर हम बात करें सर तो अकेला सिर्फ कृषि क्षेत्र ही है जहां पर जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर रही या फिर इसमें गिरावट दर्ज नहीं की गई बल्कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो अकेले सिर्फ कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था को कितना सहारा दे पाएगी, इसका भी जवाब दे दीजिएगा आकाश जी। आकाश जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया उनसे, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये सीधा सा सवाल मेरा रवि जी से है, डॉक्टर रवि जी। देखिए नेहा जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2017 के बाद से जीडीपी के नंबर कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरते चले आए हैं, पहले 5% 8% का टारगेट 5% पे हुआ, 5% से 3% और अब हमारे सामने इस क्वार्टर के नंबर हैं। दूसरी तरफ है कि देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हो रही है तो ये एक अच्छी खबर है, और अच्छा इसलिए है क्योंकि कम से कम हम जो सरकार एक अनाज का जो टारगेट रखती है, जिस लोगों को जो ये समझती है कि कम से कम उनको खाना दाना पानी और खाना मिल सकेगा, इसमें कम से कम ये परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसा बताया कि 2 करोड़ नौकरियां इस पे गई हैं, तो इन नौकरियों का उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या उन सर्विस सेक्टर की चेन को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि और सेक्टर्स में ग्रोथ यहाँ पर होने शुरू हो या उसके उसका पहिया चलना शुरू हो, तो अगर वो नहीं शुरू होगा तब तक एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत ज्यादा सपोर्ट जीडीपी पर नहीं दे पाएगी, लेकिन बस इतना ही फायदा होगा कि आप कम से कम एक ऐसा सेक्टर है जिससे कि ग्रोथ की जो पॉजिटिविटी है वो आगे और बढ़ती हुई अगर नजर आती है तो भारत कम से कम जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है उसका फायदा यहाँ पर जरूर उठा पाए। ठीक है डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या ये उम्मीद हम जताएं कि जैसे जैसे लॉकडाउन की बंदिशें हट रही है या हटती जा रही है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी? देखिए ये तो मुझे लगता है सामने के नंबर्स आपको दिखाई देने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि अभी एक ऑटो सेक्टर के नंबर की मैं बात करता हूँ तो चाहे महिंद्रा के देख लीजिए या फिर मारुति के देख लीजिए, हुंडई के देख लीजिए, इन सभी
जो गाड़ियों की सेल है, क्योंकि हम मैं गाड़ियों का सेल का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ ये बात चाहता हूँ, लेकिन उनके नंबर्स अगर देखिए तो उनमें बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट अभी कुछ ऐसी गाड़ियां भी यहाँ पर जो 10 से 15 लाख के बजट किए हैं उसको लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदा है, तो कहीं ना कहीं से ये जरूर है कि इकॉनमी का पैसा चलना शुरू हो गया। अब दूसरी तरफ है कि हमारे यहाँ की इकॉनमी को अगर रिलेट किया जाता है तो हमेशा ऑटो सेक्टर से ही रिलेट किया जाता है, क्योंकि ऑटो एक ऐसा है जो कि अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास और गांव से लेकर शहर तक की लोग खरीदारी करते हैं, और उनके नंबर से ही ये अंदाजा लगाया जाता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी हो रही है। तो अगर अगर आप कृषि के क्षेत्र में देखिए या आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए, गांव में देखिए, तो वहां पर अब छोटी गाड़ियों की या ट्रैक्टर की या मशीनरी की सेल बढ़ी है और उस पर एक रिकवरी देखने को मिल रही। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि आगे आने वाले समय में कुछ बेहतरी हो सकती है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे मेरा हरीश श्रीवास्तव जी आपसे है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार की अगर हम बात करें, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर जीडीपी की हिस्सेदारी तकरीबन 45% रहती है। तो ऐसे में सर सबसे बड़ा सवाल हरीश जी मेरा आपसे है कि आप इस सेक्टर में बूस्ट के लिए या फिर इस सेक्टर में उछाल के लिए अब सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है? देखिए, सरकार तो पहली बात तो ये अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो केवल इन सब चीजों को पूरी तरह से पुनः की तरह सहज स्थिति में लाना है। अगर आप अभी भी देखें तो होटल, जैसे आप दिल्ली को ही देख लें तो होटल थोड़े दिन पहले सरकार ने उनको खोलने के लिए अनुमति दी, परंतु लोगों के पास अभी स्टाफ नहीं है, सैनिटाइज करेंगे, खुलते खुलते उनको 10-15 दिन सहज स्थिति में आने में लग जाएगा। इस तरह रेल का संचालन जब पूरी तरह से सहज स्थिति में आ जाएगा, हवाई जहाज का संचालन जब पूरी तरह से सहज स्थिति में आ जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहज स्थिति में आ जाएगा और लोगों का फिर एक बार आत्मविश्वास इस जो ये भय जो मंडरा रहा है इससे ऊपर उठ करके लोगों का आवागमन पूरी तरह से सहज हो जाएगा। पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, ये होटल उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जहां से एक अच्छी जीडीपी पे एक अच्छा योगदान होता है, ये सारा सेक्टर जो प्रभावित हुआ है, अब ये धीरे धीरे करके इनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा और मुझे लगता है एक महीने से 1.5 महीने के अंदर ये स्थितियां पूरी तरह से फिर धीरे धीरे एक सहज स्थिति में पहुंचना शुरू। ठीक है अनुज अत्री जी, सवाल इस बात को लेकर है मजदूरों और श्रमिकों पर किस तरह की राजनीति हुई और किस तरह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये हमने लॉकडाउन के वक्त में देखा। लेकिन ऐसे में अब उन मजदूरों को लाना, जिस बात का जिक्र अभी हरीश जी कर रहे थे कि स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं होटल, स्टाफ की कमी से जूझ रही है फैक्ट्रियां, और यही वजह है कि होटल, फैक्ट्री, कारखाने, इनको शुरुआत करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर मजदूर वहां पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को लाना अब कितनी बड़ी चुनौती है और क्या कुछ अब सरकार को करना चाहिए जिससे कि वो जो लोग वापस गए हैं श्रमिक और मजदूर वो एक बार फिर से बड़े महानगरों की तरफ रुख कर सके। देखिए, अगर ये लॉकडाउन की अभी जैसे बात कर रहे हैं, ये कोरोना पैंडेमिक ने जिस तरह से हमारे देश में जब लॉकडाउन लगा है इसमें सबसे बुरी तरह से जो वर्ग प्रभावित हुआ है और जिसकी सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है वो हमारा श्रमिक वर्ग, जो हमारा खासतौर से विशेषकर से जो श्रमिक कोई भी अपने गांव में उनके पास इतना रोजगार नहीं है, हर श्रमिक जो है कहीं ना कहीं प्रवास करता है शहर की तरफ या दूसरे राज्य, और वो जब वापस उनको अपने गांव, अपने देश, अपने वतन, अपने प्रदेश में जाना पड़ा तो किस हालात में वो गए हैं वो नहीं भूलेंगे। तो ये जो है ILO की रिपोर्ट भी आई थी, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई थी कि देश में आपके देश में जिस तरह से सरकार ने आधी अधूरी तरीके से और 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन घोषित कर दिया, लोगों को समझने का और समझने का समय नहीं दिया गया, उनको एक दिन का भी समय दे दिया जाता तो थोड़ा सा अपने अपने व्यवस्था कर लेते तो शायद इतनी हालात खराब नहीं होते। जो हम कह रहे हैं कि बार बार जो बिना प्लानिंग के लॉकडाउन खोल दिया गया था उसके नतीजे ये आ रहे हैं। अब मजदूर वर्ग जो है धीरे धीरे वापस आ रहा है लेकिन उस गति से, उस तेजी से वापस आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो दिन वो याद करता है कि जब 1000-1000 किलोमीटर, 2000-2000 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, साथ में पानी नहीं, खाना नहीं, भोजन नहीं, पैसा नहीं जेब में, कैसे हालात में वो पहुंचे होंगे, कितने लोग पहुंच भी नहीं पाए, रास्ते में कितने लोगों ने दम तोड़ दिए, पैरों में छाले, दुर्दशा, वो सब जब याद करते हैं, क्योंकि कई मजदूरों से हमारा भी संपर्क होता है, वो बोलते हैं कि हमें डर लगता है, रूह कांप जाती है सोचने के शहर के
ना मुझे जाने दे, तो कहते हैं हम अपने गांव में रुकी सूखी जो मिलेगी वो खा लेंगे, लेकिन अभी जाने को तैयार नहीं है। तो ये लेबर क्राइसिस इस देश में हमारे अब पैदा हो गया। मेरी वर्ल्ड बैंक ने चेताया था कि आने वाले समय में देश में लेबर क्राइसिस होगा। 96% हमारा जो देश में जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, केवल 4% जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है इकोनॉमी है वो 4% ऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, बाकी 96% इकोनॉमी जो हमारी चलती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से चलती है, अनऑफिशियल सेक्टर से चलती है। तो सरकार ने सबसे ज्यादा कमर तोड़ने का काम उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का किया है जो 96%। ठीक है, एक छोटा सा सवाल सर, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक छोटा सा सवाल मैं डॉक्टर रवि सिंह से ले लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है रवि सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 1996 से जीडीपी की रेटिंग की शुरुआत हुई थी सर, सबसे वर्स्ट कंडीशन में इस वक्त अभी हम है, लेकिन ऐसे में बहुत संक्षिप्त में बताइए मुझे कि अब क्या कुछ और किस स्तर पर काम करने की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जो सरकार को सबसे पहले लेने चाहिए ताकि कम से कम जो अर्थव्यवस्था है वो सामान्य स्थिति में तो आ सके। देखिए सबसे आपने बिल्कुल सही कहा, और अभी जो सरकार को यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा वो युद्ध स्तर पर ही लेना पड़ेगा, और मैंने पिछले कई प्रोग्राम में सजेशन दिया है सरकार को, सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस यहाँ पर कम करके इकोनॉमी में थोड़ा सा एक जो महंगाई है उसको कम करनी चाहिए, जिससे कि लोगों की स्पेंडिंग की आदत बढ़ सके। पहला सबसे जरूरी कदम है, जो अगर ये कदम उठाया जाए तो इसका काफी अच्छा से एक इम्पैक्ट देखने को शुरू मिलेगा और उससे एक इकोनॉमी का पैसा चल सकेगा। दूसरा है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर देने की बात की है अलग अलग सेक्टर को, उसका जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा ईज ऑफ करें। लोगों को यहाँ पर अभी भी लोन इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा, आप इंडस्ट्री में इसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ इन दो कदमों की शुरुआत से ही आपको जीडीपी के नंबर यहाँ पर इंप्रूव करते हुए नजर आ जाएंगे, और अगर यहाँ पर इस इकोनॉमी का पैसा चलाना है तो मुझे लगता है कि आपको युद्ध स्तर पर यहाँ पर कदम उठाना, बिल्कुल युद्ध स्तर पर यहाँ पर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में ऐसी मंदी अगर कभी नहीं देखी तो ऐसा कोरोना वायरस जैसी महामारी भी कभी नहीं देखी, लिहाजा आप सूझबूझ के साथ कदम उठाने की जरूरत है और युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।